दोस्तों, एक व्यक्ति काफी दिनों से चिंतित चल रहा था, जिसकी वजह से वो काफी चिड़चिड़ा और तनाव में रहने लगा। उसको इस बात से परेशानी थी कि उसे परिवार के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते थे, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी और उसे घर में किसी न किसी रिश्तेदार का आना जाना लगा रहता था। हाय गाइस, मैं हूं शिव और एक छोटा सा मोटिवेशन वीडियो हम सबके लिए। इन्हीं बातों को लेकर वो काफ़ी परेशान रहता था और बच्चों को डांट देता था और पत्नी से किसी न किसी बातों पर उसका झगड़ा चलता ही रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और कहा कि पिताजी, मेरे स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। पिताजी तो पहले से ही तनाव में थे तो उसने अपने बेटे को डांट के भगा दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ तो वो अपने बेटे के पास गया। उसका बेटा होमवर्क की कॉपी लिए लिए सो गया था। जब उस व्यक्ति ने होमवर्क की कॉपी हटाई तो उस व्यक्ति की नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। दोस्तों, होमवर्क टाइटल ये था कि वो चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती हैं लेकिन बाद में वो बहुत अच्छी होती हैं। इस टाइटल पर एक पैराग्राफ लिख के लेके आया था तो बच्चे ने लिख लिया था। अब उत्सुकतावश बच्चे का लिखा हुआ पिताजी ने पढ़ना शुरू किया। मैं अपने फाइनल एग्जाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो बिल्कुल अच्छे नहीं रहते लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। मैं ख़राब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये शुरू में कड़वी लगती हैं लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक करती हैं। मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस अलार्म को भी धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे सुबह ये बताती हैं कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिताजी दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती हैं लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लेके आते हैं और मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के पास तो पिता ही नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ के वो व्यक्ति नींद से जाग गया। अब उसकी सोच बदली बदली लग रही थी। बच्चे की लिखी हुई बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वो लास्ट वाली लाइन उसके दिमाग में क्लिक कर गई, उस व्यक्ति की नींद उड़ा दी। अब वो व्यक्ति शांति से बैठा और उसने अपने परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। उस व्यक्ति ने सोचा कि मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब मेरे पास घर है और ईश्वर के पास है, मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जिनके पास घर नहीं है। उस व्यक्ति ने सोचा कि मुझे परिवार की जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती हैं, इसका मतलब मेरा परिवार है और मेरे बीवी बच्चे हैं, ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से खुश नसीब हूँ जिनके परिवार नहीं है, जो दुनिया में अकेले हैं। उस व्यक्ति ने सोचा कि मेरे पास मित्र या फिर रिश्तेदार कोई ना कोई आता ही रहता है, इसका मतलब मेरी सामाजिक हैसियत है और मेरे पास सुख दुख में खड़े होने के लिए लोग हैं। उस व्यक्ति ने भगवान को धन्यवाद दिया और कहा कि भगवान, मुझे माफ़ करना, मैं आपकी कृपा को पहचान नहीं पाया। इसके बाद उस व्यक्ति की सारी सोच बदल गई और उसकी परेशानियाँ और चिंताएँ एकदम से ख़त्म हो गई। दूसरा व्यक्ति एकदम से बदल सा गया और भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोदी में उठाया और उसके माथे को चूमा, अपने बेटे को और ईश्वर को धन्यवाद दिया। दोस्तों, हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं, जब तक हम उनको नकारात्मक नज़रिए से देखते रहेंगे तब तक हम परेशानियों से घेर रहेंगे, लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीज़ों को, उन परिस्थितियों को सकारात्मक नज़रिए से देखेंगे, हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी, हमारी सारी चिंताएँ, सारी परेशानी, सारे तनाव एकदम से ख़त्म हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के नए नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों, आपको एक छोटा सा मोटिवेशन वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम। Oh,